आज की हमारी कार जो रहने वाली नेक्सा, जी हाँ नेक्सा की न्यू बलिनो लेटेस्ट मॉडल 2022। जी हाँ बलिनो का जो लेटेस्ट मॉडल आया है बहुत बहुत शानदार मॉडल, और हमने इसमें किया है बहुत यूनिक मॉडल काम जो आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बहुत ही यूनिक काम जो हमने इसके अंदर करके दिखाया भाई, ये टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है जो हम इसके अंदर आपको लगा के दिखाएंगे फ्रंट कैमरा। जी हाँ इसके अंदर हमने लगाया है, ये फ्रंट कैमरा इंस्टॉल किया और ओरिजिनल स्टीरियो कंपनी फिटेड स्टीरियो में हमने इसको इंस्टॉल किया। कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट कैमरा बलिनो 2022 में जो हमारी कार है वो रहने वाली नेक्सा। जी हाँ नेक्सा की बलिनो 2022 मॉडल लेटेस्ट डीजल वेरियंट है। टॉप से एक नीचे वाला वेरियंट आता है भाई, वो वेरियंट आई है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सब कंपनी फिटेड है। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल भी और स्टीरियो भी जो है वो कंपनी फिटेड इंस्टॉल किया है। जो हमने इसके अंदर ख़ास चीज़ आज लगाने जा रहे हैं वो है फ्रंट कैमरा। जी हाँ बैक कैमरा तो इसमें कंपनी फिटेड इंस्टॉल होकर आता है, लेकिन आजकल जैसे पार्किंग की बहुत दिक्कत है तो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए आपको फ्रंट कैमरे की भी ज़रूरत पड़ती है, तो भाई इसके अंदर हमने फ्रंट कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया है। कैसे काम करता है फ्रंट कैमरा और हमने जो लगाया है कैसे लगाया है इसके अंदर फ्रंट कैमरा, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना। आप देख रहे हैं इसमें जो गियर लॉक हमने लगाया है, तो फ्रंट कैमरा जो हमने इंस्टॉल किया है, रियर कैमरा इसमें इंस्टॉल होकर आया था। पहले मैं आपको बता दूँ इसका फंक्शन क्या है कि जैसे ही हम इसमें बैक गियर डालेंगे उसके बाद जैसे ही हम बैक गियर को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्रंट कैमरा चल जाएगा। दिखाता हूँ आपको, आप देख रहे हैं ये बलिनो का टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, डीजल का वेरिएंट है, नेक्सा की बलिनो 2022 डीजल मॉडल, जिसमें ये स्टीरियो जो कंपनी फिटेड है, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल भी कंपनी फिटेड है, पीछे का जो रियर कैमरा होता है वो भी कंपनी फिटेड ही इसके अंदर आता है और वही लगा हुआ है इसके अंदर। हमने जो इसके अंदर इंस्टॉल किया वो लगाया है फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो कैसे काम करता है। और देख रहे हैं कंपनी फिटेड स्टीरियो है, जैसे ही हम इसमें रिवर्स गियर डालते हैं तो इसमें जो कंपनी फिटेड ओरिजिनल कैमरा है वो इसका पूरा व्यू आपको इसके अंदर आता है, और पूरा जब तक आपका रिवर्स गियर डला हुआ है तो ये पूरी तरह से काम करता है, ओके काम करता है। और जैसे ही हम इसको बैक गियर से रिमूव करते हैं तो इसमें फ्रंट का कैमरा आता है। आप देख रहे हैं ये फ्रंट का कैमरा जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया ये आता है, और राइट का लेफ्ट का लेफ्ट में दिखाता है, और ये 10 सेकंड तक एक्टिव रहता है, और आफ्टर 10 सेकंड ये ऑटोमेटिकली रिमूव होकर नॉर्मल स्क्रीन में आया था। देख रहे हैं ये 10 सेकंड के बाद आप ऑटोमेटिकली रिमूव होकर नॉर्मल स्क्रीन में आ गया। दोबारा मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, जैसे ही हम इसके अंदर रिवर्स गियर डालते हैं तो ये आपका रिवर्स का बैकअप व्यू व्यू दिखा रहा है। ये कंपनी फिटेड ओरिजिनल कैमरा है जिसका आप व्यू देख पा रहे हैं, और जैसे ही हम इसको रिवर्स गियर से न्यूट्रल में लाते हैं या फर्स्ट में लाते हैं तो 10 सेकंड तक हमारा जो फ्रंट का कैमरा है वो इसके अंदर एक्टिव हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं 10 सेकंड के बाद जैसे स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी, अभी आप देखेंगे आफ्टर 10 सेकंड स्क्रीन बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी जैसे आपकी स्टीरियो में होती है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा जो है फिर भी चलता रहे तो हमने यहाँ पे एक बटन इंस्टॉल किया है, बटन दिखाइए। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक ये बटन इंस्टॉल किया, जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे, देख रहे हैं ये बटन को हमने ऑन किया और ये आपका कैमरा फ्रंट कैमरा पूरी तरह से एक्टिव हो गया। मतलब आप चलती गाड़ी में भी फ्रंट कैमरे को एक्टिव कर सकते हैं, या पार्किंग के टाइम आप रेगुलर भी इस कैमरे को एक्टिव कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़, बहुत यूज़फुल आइटम है जो हम आप लोग लाए। इसे लगाने में किसी भी तरह की कोई वायर कटिंग नहीं की है हमने, किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट नहीं लगाया, सिर्फ कैमरे को इंस्टॉल किया और छोटा सा एक हमने अपना बनाया हुआ डिवाइस इसके अंदर लगाया जो पूरी तरह से वर्किंग और पूरी तरह से काम करता है। बहुत एक अच्छी चीज़ बलिनो 22 में फ्रंट कैमरा।